Y no. Vishwanatha Mamanatha Purare हे संसार के स्वामी मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर के वध करने वाले, आपकी महिमा तो तीनों लोकों में विख्यात है, भला आपको कौन नहीं जानता। चर अचर मनुष्य देवता सभी आपके कमल चरणों की वंदना करते हैं प्रभु। हे प्रभु, आप गुण ज्ञान वैराग के भंडार हैं। हे नाथ, यदि आज आप हमसे अति प्रसन्न है तो श्री रामचंद्र जी के जन्म की कथा मुझसे विस्तार पूर्वक सुनाइए। करी प्रणाम राम हे पुराने हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो देवी, तुम धन्य हो। हे देवी, तुमने यह सुंदर प्रश्न करके इस सारे संसार के प्राणियों के भक्त यश कीर्त एवं सुख और मुक्त का मार्ग प्रशस्त किया है, किंतु हे देवी, आपने यह प्रश्न किया कि राम राजा पुत्र है या अविनाशी ब्रह्म, यह हमें तनिक अच्छा ना लगा। हे देवी, सुनिए, बुद्धि मन और वाणी में तर्क नहीं किया जा सकता। संत मुनि वेद पुराण सब अपने अपने बुद्धि के अनुसार ब्रह्म का वर्णन करते हैं तथा मैं अपने बुद्धि के अनुसार कहता हूं, जब जब होय धर्म की हान, बाहरी असुर अदम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विदध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। हे देवी, सुनिए, भगवान विष्णु के अवतार होने का अनेक कारण है, ना ही कोई मूर्ख है और ना ही कोई ज्ञानी। भगवान विष्णु जिसको जैसा चाहते वो उसी क्षण वैसा हो जाता। हे देवी, उनकी माया तो अति प्रबल है। हे प्राण प्यारी, मैं आज आप पर अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। मैं श्री रामचंद्र जी का जन्म का आपको कारण सुनाता हूँ। एक बार देवर्षि नारद